So, क्या हाल है दोस्तों, स्वागत है आपका वापस एक नई वीडियो में। ये वीडियो एक बेसिकली व्लॉग वीडियो है। 1.5 से 2 साल पहले मैं बॉम्बे गया था और मैंने वहाँ पे सलमान अली भाई के साथ एक काम किया था। काफ़ी नोन आर्टिस्ट हैं और बहुत ही सुरीले आर्टिस्ट हैं। मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं बॉम्बे गया, उनके साथ मैंने रिकॉर्डिंग करी। सो ये 1.5 से 2 साल पहले मैं वहाँ पे गया था, तब मैंने इसे शूट किया था और उस टाइम पे मैं काफ़ी नर्वस भी था, आपको आगे दिखेगा ही। मैंने पहली बार रिदम्स भी लाइव रिकॉर्ड किए थे, सो इसमें वो भी आपको दिखेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आगे बने रहिए। डॉक्टर सालुके की लैब का धुआं है। हेलो गाइस, गुरुदेव केपी म्यूजिक। सो आज हम सलमान भाई के साथ में हैं। यस भाई, आज पाजी का गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है, बहुत प्यारा गाना है। क्योंकि हमारा जो मन है, पता नहीं कौन सा लाभ हम उसमें गाना है, कौन सा नहीं गाना है, फ्लो बनेगा जब उसमें आप अपनी तरफ से भी कुछ ना। भाई अच्छा है, बट वो जो 3 बारी थोड़ा सा क्या, बट फिर से करने को ना पूरे। सो उस दिन वोकल्स बहुत अच्छे रिकॉर्ड हुए, हमने सारा सेशन बहुत आराम से सलमान भाई के साथ किया और उनकी वोकल्स तो इतने प्यारे, इतने अच्छे, किसी चीज़ की उनको है ना, उन्होंने इतने अच्छे वोकल्स रिकॉर्ड किए। हमारा बहुत अच्छा दिन था, मैंने पहली बार उनके साथ काम किया। एंड फिर नेक्स्ट डे हमने रिदम्स के लिए तैयार हुए, फिर हम रिदम्स के लिए गए नेक्स्ट डे। तो आज के लिए हम रेडी हैं एंड आज हम निकल रहे हैं, आज रिदम्स रिकॉर्ड करनी है, हम भाई तैयार है दोनों एंड अब हम निकल रहे हैं रिदम्स के लिए। सो आपको दिखाते हैं स्टूडियो चल के। सो अब हम स्टूडियो आ चुके हैं, EMV स्टूडियोस है एंड माइक वगैरह सब सेटअप हो चुका है, रिदम्स रिकॉर्ड करने को बिल्कुल रेडी हैं। होप से सब अच्छा हो, अंदर सब कुछ रेडी हो रहा है। आज हम अक्षय भाई के साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं। हेलो। ढोलक तबला कैसा लगा भाई आपको गाना? बहुत ही अच्छा गाना है, बहुत अच्छा कंपोजिशन है और सलमान भाई ने गाया तो कंपोजिशन और निखर के आ रहा है सामने। ओके, सो आज हम ढोलक और क्या क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं भाई? ढोलक, तबला, डफ और कुछ हायर पर्कशंस हैं, शेकर्स वगैरह, वो सब रिकॉर्ड करेंगे। सही है, करते हैं भाई। बहुत अच्छा दिन था, बहुत अच्छी रिदम रिकॉर्ड हुई, बहुत मजा आया। पहली बार मैंने इतने बड़े स्टूडियो में इतना सब तामझाम के साथ सब रिकॉर्ड किया था। वोकल्स मैं पहले भी कर चुका हूँ बड़े स्टूडियोज में रिकॉर्ड, बट लाइव इंस्ट्रूमेंट्स मैंने पहली बार ऐसे रिकॉर्ड किए थे एंड अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ सीखा मैंने वहाँ पे एंड अक्षय भाई ने बहुत अच्छे रिदम्स बजाए इसके अंदर। थैंक यू सो मच भाई आपको। और जितना मैं, क्योंकि जिस टाइप के मैं गाने बनाता हूँ पॉप या हिप हॉप से, सो उनमें बेसिकली जितनी मेरी पूरे गाने में 20-25-30 स्टेम्स होती हैं, सो इतनी तो हम ढोलक की स्टेम्स कर लाए थे, ढोलक तबले उस बाकी सारे किसकी। सो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। आपको अभी मैं अपने
प्रोजेक्ट में भी दिखाऊंगा। प्रोजेक्ट है आपके सामने, सो ये जहाँ तक मैं लेके जाऊंगा ये खत्म ही नहीं होगा। ये काफी खतरनाक सा प्रोजेक्ट था इस गाने का। सो ये जो ऊपर आपको दिख रही है, सो ये 10 ट्रैक तक जितना कुछ दिख रहा है सब वोकल्स हैं, कहीं पे मतलब अलाप हैं, कहीं पे कुछ है से, और बहुत ही ज़्यादा लेयर्स थे हमारे पास इस ट्रैक में। उसके बाद ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे पियानो हो गए, पैड्स हो गए, कीज हो गई, बेल्स, ईपीज है ना। उसके बाद ये मिल्टन भाई के गिटार के सेशन से, इतना मैंडोलिन गिटार, ये जितना आप देख रहे हो ये कम से कम 10 ट्रैक ये भी होंगे, 10 से ज़्यादा ही। सो ये वो चीज़ें थी। उसके बाद ये बेस आ गया अपना, ये बेस है दो हमारे। और उसके बाद हमारे पास ये जो आप देख रहे हो ना भाई साहब, ये सब है, तबला, ढोलक, पता नहीं क्या क्या है। सो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। ये ढोलक है, ये ढोलक की एम्बियंस है, फिर ये ढोलक नॉर्मल है, फिर ये डफ है, फिर ये हमारा घुंघरू का साउंड है, फिर शेकर्स हैं, शेल्स है, और फिर क्लैप्स है, हैंड क्लैप्स है जो हाथों से बजाई थी वहाँ पे, मैंने भी बजाई हैं। और उसके बाद तबला था इसमें, और ये कैसरोला, ढोलक एंड किक क्लैप, ये तो नीचे मैंने प्रोग्राम करी है जो लगाए हैं सैम्पल्स, वाटर ड्रॉप्स, क्रैश। सो काफ़ी कुछ, मतलब बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें बहुत ही कुछ था, इतने एलिमेंट्स थे इस ट्रैक के अंदर कि बहुत ही ज़्यादा। सो नियर बाई 80 से 90 ट्रैक तो मैं इसमें जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ जो हैं, और अगर आप चाहते हो कि मैं इसको प्रॉपरली दिखाऊँ सो मैं प्रॉपर इसका एक डीकंस्ट्रक्शन वीडियो दिखा दूंगा जिसमें प्रॉपर सारा कुछ कली कली लेयर में आपको दिखा दूंगा कि किसका क्या काम था। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, अगर आपने यहाँ तक देखी है तो मतलब आपको पसंद आई है। कमेंट्स प्लीज़ करें, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, गाना सुने जाके, और क्या चाहिए। थैंक यू सो मच।